कहानी की शुरुआत में हम एक गेम डेवलपर और एक प्रोग्रामर को देखते हैं, जिसका नाम क्रिल है। क्रिल अभी बेहोश था, लेकिन जब उसे होश आया तो वह एक गाड़ी में था, जो गाड़ी पुलिस की थी। क्रिल गाड़ी के विंडो से बाहर का सीन देखने लगता है और याद करने लगता है कि इसके साथ हुआ क्या था। हमें पता चलता है कि पिछली रात क्रिल एक लड़की को गिफ्ट देने गया था, जिसको वह पसंद करता था, और उस लड़की का नाम ऐना है। क्रिल उसको मनाने लगा है क्योंकि ये लड़की क्रिल से नाराज थी। वजह यह थी कि क्रिल हमेशा बिजी रहता था। क्रिल ऐना का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था, मगर असल वजह तो यह थी कि ऐना का बर्थडे 2 दिन पहले ही गुजर चुका था, और अब सेलिब्रेट करने का क्या फायदा। ऐना वहाँ से चली जाती है नाराज होकर, और फिर क्रिल अपने दोस्त के साथ वापस ऑफिस आ जाता है। क्रिल ने कुछ दिन पहले एक गेम डिजाइन किया था, जिसकी वजह से उस कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और इसी बात का सेलिब्रेशन कंपनी में किया जा रहा था। इसके बाद क्रिल अपने घर आता है, लेकिन घर में एक स्ट्रेंज लेडी है। क्रिल उस लेडी को बिल्कुल नहीं जानता था। वह उससे कहता है कि तुम मेरे घर से चली जाओ, लेकिन लेडी कहती है कि ये घर तो मेरा है, मगर असल में ये घर तो क्रिल का था। और इसी बात पर दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। हम देखते हैं कि क्रिल का घर तो बदल चुका है, और साथ ही साथ क्रिल के जो नेबर थे वो भी क्रिल को नहीं पहचान पा रहे थे। एंड में ये लेडी अपना नाम रैना बताकर घर के सारे कागजात दिखाती है। क्रिल घर से बाहर आ गया था और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। हैरानी और परेशानी की वजह से अब ये अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है और इंटरनेट से अपने घर के पेपर्स निकालने लगता है। अब ये सारे पेपर्स का प्रिंट लेने के बाद नेशनल कॉर्पोरेशन के पास जाता है, इन सब चीजों का प्रूफ लेकर, ये प्रूफ करने के लिए कि वह घर तो उसका अपना है। लेकिन वहाँ पर जाकर क्रिल को और ज्यादा शौक होना पड़ता है, क्योंकि उसके नेम का डाटाबेस तो वहाँ पर मौजूद नहीं था। और अब प्रूफ लेने के लिए भी वह ऑफिस भी जाता है, मगर ऑफिस में भी क्रिल को कोई नहीं पहचानता। सब लोग ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे क्रिल पहली बार ही उस ऑफिस में आया हो। क्रिल ऑफिस में बहुत ज्यादा हंगामा क्रिएट करता है और सबको अपनी पहचान करवाता है, और कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि तुम लोग मुझे पहचान ही नहीं रहे। क्रिल सोचता है कि शायद ये सब कुछ उसके फ्रेंड ने ही किया हो, लेकिन उसके फ्रेंड ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। और अब क्रिल अपने पेरेंट्स के पास जाता है, मगर उसके पेरेंट्स भी मुकम्मल तौर पर उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं, और वो क्रिल से कहते हैं कि इनकी तो पहले कोई औलाद ही नहीं थी। अब क्रिल दोबारा से उसी लेडी रैना के पास जाता है और उससे बहस करने लगता है। उससे कहता है कि ये घर मेरा है। वह लेडी भी इसके साथ बहस कर रही होती है, और एंड में हम बहुत ही हैरानी वाला सीन देखते हैं। रैना यहाँ पर क्रिल से चाकू लेकर खुद को ही मार लेती है। और अब मूवी की प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहाँ पर क्रिल को पुलिस ने पकड़ा हुआ है, और यही वजह थी कि क्रिल पुलिस की गाड़ी में बेहोश था और उसको रैना की मौत की वजह से पकड़ा हुआ था। यह ओपनिंग सीन हम कहानी की शुरुआत में देख चुके हैं। हम देखते हैं कि पुलिस वाले क्रिल को बिना चार्ज लगाए ही छोड़ देते हैं। क्रिल बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था। वह सोच रहा था कि ये आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद क्रिल के मोबाइल में एक मैसेज आता है, और मैसेज ये था कि लाइट हाउस में जाओ। क्रिल लाइट हाउस में चला जाता है, मगर लाइट हाउस तो बिल्कुल खंडर की तरह था। क्रिल अपनी सारी रात इस लाइट हाउस में गुजारता है। क्रिल जब सुबह उठता है तो उसके आसपास की सीनरी सारी चेंज थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक दरवाजे से एक आदमी बुक्स का कोरियर लेकर आता है, और दूसरे दरवाजे से वही लेडी रहना आती है। क्रिल उसको देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि इस लेडी की तो डेथ हो चुकी थी। ये लेडी आकर क्रिल को बहुत ही अजीब बात बताती है। वो कहती है कि तुम किसी और दुनिया में हो, नई दुनिया जो कि तुम्हारी दुनिया की पैरेलल है। पर लेडी उस दुनिया का नाम बताती है जो कि उसके गेम के जैसा था, क्योंकि जब क्रिल ने अपना गेम बनाया था तो उसमें दूसरी दुनिया का एक गेटवे बना दिया था। रैना एक दरवाजे से क्रिल को वो दुनिया दिखाती है जो कि एकदम क्रिल की दुनिया जैसी थी, और क्रिल ने ही उस गेटवे का दरवाजा खोला था, इसलिए उसको भी इस दुनिया का हिस्सा बना दिया गया है। और अब क्रिल को इसी दुनिया में रहना था, इस वजह से इसलिए रैना ने उसकी असल आईडी उसकी असली दुनिया से मिटा दी थी। और यही वजह थी कि उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स और उसके कलीग्स उसको पहचान नहीं रहे थे। रैना उसको बताती है कि अभी तो तुमने सिर्फ एक ही दुनिया देखी है,
लेकिन ऐसी हजारों दुनिया है जो दूसरे दुनिया के पैरेलल है, जिसमें कुछ के गेट तो ओपन हो चुके हैं और कुछ के अभी बाकी हैं। और वह बताती है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पैरेलल वर्ल्ड का पता है और वह एक टावर से एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में आते हैं, जिन्हें ट्रैवलर कहा जाता है। और ग्रिल का काम होगा उन लोगों पर तहकीकात करना। यह लेडी बताती है कि यहाँ पे एक दुनिया से दूसरे दुनिया तक जाने वाले बहुत सारे गेटवे हैं और उनमें से एक गेटवे को क्रिल ने ही खोला है और बाकी के गेट खुलना बाकी है। लेडी क्रिल को बताती है कि वह एक इंसान नहीं है बल्कि सुपर एंटिटी है। यहाँ पर ये लेडी क्रिल को एक अलमारी दिखाती है जिसमें से क्रिल कुछ भी ले सकता था। फिर क्रिल उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी दुनिया में वापस जाना है। रैना उससे कहती है कि अगर तुम अपनी असली दुनिया में भी चले जाओ तो वहाँ पर भी तुम सिर्फ एक क्रिमिनल हो और वहाँ पर तुम्हें कोई जानता भी नहीं है। इसके बाद वह लेडी वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं क्रिल अपने फ्रेंड को भी उस गेट के द्वारा उस दुनिया में अपने साथ ले जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि क्रिल का फ्रेंड उसको जानता था और अब क्रिल अपनी सारी कहानी अपने दोस्त को सुनाता है। यह सब सुनकर उसका दोस्त भी हैरान हो गया था। तभी हम देखते हैं कि कुछ ट्रेवलर्स दुनिया में पहुंच जाते हैं और इनमें एना और उसका दोस्त भी था, क्योंकि एना इस दुनिया में आई थी इसलिए उसकी याददाश्त मिट चुकी थी और वह क्रिल को नहीं पहचानती थी। एना का फ्रेंड उस सोसाइटी का हिस्सा था और उसने एना को भी इस दुनिया में लाकर घुमाने का प्लान बनाया था। फिर क्रिल इन दोनों का ट्रैवलर अप्रूव कर देता है। वह दोनों इस दुनिया को घूमने के लिए निकल जाते हैं और क्रिल अपने दोस्त के साथ इन दोनों का पीछा करता है। ये दोनों एना को ढूंढ ही रहे थे तभी एक रोबोट आकर इन दोनों पर हमला कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिल के अंदर बहुत ज्यादा सुपर पावर्स थी और ये बहुत ही आसानी से उन रोबोट से लड़ रहा था। और फिर हम देखते हैं कि वह रोबोट क्रिल को वहाँ छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद क्रिल एक लेडी को देखता है जो कि मर रही होती है। ये लेडी पानी मांग रही होती है और फिर क्रिल इसको पानी दे देता है और यह लड़की उसको बताती है कि उनकी दुनिया में पानी उनका घाव भरने का काम करता है। अगर हम लोग मर रहे हो तो पानी पी के हम लोग ठीक हो जाते हैं। ये लेडी क्रिल को बताती है कि ये लेडी एक कस्टम ऑफिसर है और वह इमोर्टल है और इसकी एज आगे नहीं बढ़ी। क्रिल को भी पता चलता है कि वह भी इमोर्टल बन चुका है। और इसके बाद क्रिल दोबारा टावर में आता है और रेस्ट करता है और फिर सो जाता है। और वह जब उठता है तो देखता है कि टावर का एक और गेटवे दूसरी दुनिया के लिए खुल चुका था और अब वह दूसरी दुनिया भी देख रहा था जो कि पहली दुनिया से भी ज्यादा खूबसूरत थी। और फिर रैना और सीनियर कमेटी के लोग आ जाते हैं जो कि इस नई दुनिया को चेक करने लगते हैं। और फिर रैना क्रिल को एक लॉकेट देती है और कहती है कि तुम इस टावर से और इस दुनिया से सिर्फ 15 किलोमीटर का ही एरिया तय कर सकते हो और तुम्हें इस 15 किलोमीटर के एरिया में ही रहना होगा और अगर तुम 15 किलोमीटर से आगे जाते हो तो तुम मारे जाओगे। अब क्रिल को अपने पेरेंट्स से मिलना था और वह देखता है कि उसके पेरेंट्स टावर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर थे, इसलिए क्रिल अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए निकल जाता है। लेकिन क्रिल जैसे जैसे टावर से दूर जा रहा था उसकी हालत खराब हो रही थी और उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती जा रही थी। क्रिल को पानी की जरूरत थी और तभी ट्रेन में एक आदमी उसको पानी पिलाता है और उसकी हालत ठीक हो जाती है। इसके बाद क्रिल अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए घर पहुंच जाता है। क्रिल के फादर एक प्रोफेसर थे। क्रिल अपने पेरेंट्स के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता है और अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारने के बाद टावर में आ जाता है और टावर में अब एना भी आ गई थी अपने फ्रेंड के साथ। एना यहाँ पर अपने वैकेशंस मनाने आई थी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिल एना को याद दिलाने की कोशिश करता है कि रियल वर्ल्ड में वह दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एना को कुछ याद तो नहीं था, लेकिन वह क्रिल को पसंद करने लगी थी। हम देखते हैं कि क्रिल एना को एक पार्टी में लेकर आता है, वहाँ पर रैना भी थी, मगर रैना को यह बात पसंद नहीं आती क्योंकि वह भी क्रिल को लाइक करने लगी थी। अब रैना एना को बताती है कि तुम जिसको पसंद करती हो वह रियल ह्यूमन नहीं है बल्कि एक सुपर ह्यूमन बन चुका है और एक्चुअली में ये पार्टी भी क्रिल के लिए थी क्योंकि क्रिल ने इस दुनिया के दो दरवाजे खोल दिए थे। रैना इन सब के बाद भी रुकती नहीं है, वह एना को किडनैप कर दूसरी दुनिया में भेज देती है। वहाँ पर हम क्रिल को देखते हैं जो कि एना को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे एना नहीं मिल रही थी। वो दोबारा से टावर में आ जाता है और एना को कॉल करता है, लेकिन वह कॉल भी पिक नहीं करती। तभी हम देखते हैं कि कमेटी की एक मेंबर क्रिल के पास आती है और वह क्रिल को एक टास्क देती है कि तुमने रियल वर्ल्ड का दरवाजा खोला है और वह बताती है कि मेन वर्ल्ड ही ओरिजिनल वर्ल्ड है और सभी वर्ल्ड उसकी कॉपी है। और वह यह भी बताती है कि ये एक परफेक्ट वर्ल्ड है, यहाँ पर कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, ना ही कभी कोई बीमारी फैली और वहाँ के लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। कमेटी की ये मेंबर
क्रिल को ये टास्क इसलिए दे रही थी ताकि ये लोग भी उस दुनिया से सीखें कि कैसे उन लोगों ने अपनी दुनिया को इतना परफेक्ट बना लिया है। अब क्रिल उस लेडी के टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही वह ऐना के लिए भी परेशान था। हम देखते हैं कि ये ऐना के घर को लोकेट करता है और वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर ऐना का घर काफी ज्यादा दूर था और हम देखते हैं कि रास्ते में क्रिल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, मगर जैसे तैसे क्रिल बर्फ खाकर अपनी हालत सही करता है। लेकिन वहाँ पे ऐना नहीं मिलती और वह वापस टावर आ जाता है और जब वह उठता है तो एक नया गेटवे ओपन हुआ देखता है। वह देखता है कि उस दुनिया की हालत बहुत ज्यादा अजीब थी और वहाँ के लोग बहुत बुरी हालत में थे और वहाँ के लोग एक फैक्ट्री में काम करते थे। क्रिल वहाँ की दुनिया की हेड से मिलता है, दरअसल वह कस्टम ऑफिसर थी। वहाँ पर कई सारे लोगों में क्रिल को ऐना भी दिखाई देती है जो कि मरने वाली थी। क्रिल ऐना को बचाते हुए वापस टावर की ओर ले आता है, मगर ऐसा करते हुए ये लेडी क्रिल को देख लेती है और उससे लड़ने लगती है। मगर हम देखते हैं कि वहाँ के सभी लोग उस लेडी पर अटैक कर देते हैं क्योंकि ये लेडी सब पर जुल्म किया करती थी। तभी क्रिल को मौका मिल जाता है और ऐना को उठाकर टावर में ले आता है। तभी क्रिल का फ्रेंड उससे मिलने आता है और वह उसे बताता है कि उसके फ्रेंड को भी कस्टम ऑफिसर बना दिया गया है और अब ये क्रिल को सजा देगा क्योंकि क्रिल ने रूल्स तोड़े हैं। ये क्रिल का बाहर जाने का लिमिट कम कर देता है, पहले 15 किलोमीटर था लेकिन अब 50 मीटर रख दिया है, यानी कि क्रिल टावर से सिर्फ बाहर 4 कदम ही चल सकता है। क्रिल के फ्रेंड के जाने के बाद क्रिल को पता चलता है कि ऐना कुछ ही देर में मर जाएगी क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन वह ऐना को उठाकर 15 किलोमीटर बाहर ले जाता है और इसी वजह से अब क्रिल की बॉडी भी कमजोर हो गई थी। और तभी हम देखते हैं कि ऐना क्रिल के गले से वो लॉकेट खींच लेती है जिसकी वजह से क्रिल और ऐना बच जाते हैं। अगले दिन जब क्रिल की आँख खुलती है तब वह दूसरी दुनिया में था। ये दुनिया बहुत ज्यादा प्यारी और एडवांस थी, यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे की थी। क्रिल इस दुनिया के हेड से जाकर मिलता है जो कि एक कस्टम ऑफिसर होता है। वह इस दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन उसको देता है और फिर उसको पता चलता है कि यही मेन वर्ल्ड है जिसको खोलने के लिए उस कमेटी मेंबर ने उसको कहा था। वह ऑफिसर क्रिल से कहता है कि इसी वर्ल्ड ने सारे वर्ल्ड को बनाया है, इन्होंने बाकी वर्ल्ड्स को अपने वर्ल्ड से 10-11 साल आगे रखा था ताकि इन लोगों को पता चल जाए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, अगर किसी वर्ल्ड में कोई बीमारी कोई लड़ाई होने वाली है तो ये उनसे सीख सकें। यहाँ के लोग पैरेलल वर्ल्ड से सीख कर अपने आप को एडवांस करते रहे, यानी अगर कोई पैरेलल वर्ल्ड में लड़ाई हुई है तो ये लोग उस लड़ाई को अवॉइड करते थे और अगर किसी वर्ल्ड में इन्वेंट हुआ है या कुछ डिस्कवर हुआ है तो उसका सारा डेटा लाकर अपने यहाँ रख लेते थे और उसे और ज्यादा एडवांस कर लेते थे। और ये सब सुनकर क्रिल को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि दुनिया असल दुनिया ही नहीं थी, इसकी दुनिया तो कोई और है। और अब क्रिल दूसरी दुनिया में जाना चाहता था तो हम देखते हैं कि उस ऑफिसर के कुछ रोबोट्स उस पर हमला करते हैं क्योंकि इस दुनिया का सीक्रेट जाने के बाद क्रिल वापस अपने दुनिया में नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे तैसे उनसे बचकर क्रिल वह दरवाजा भी ढूंढ लेता है और फिर वह एक दीवार को फाड़ते हुए अपनी दुनिया में चला जाता है और फिर उसको रहना दिखाई देती है जो कि बहुत ही गुस्से में थी। और वह गुस्सा इसलिए थी क्योंकि क्रिल ने अपने गले का लॉकेट निकाल दिया था जो कि उसे रहना ने दिया था। अब क्रिल ऐना को ढूंढ रहा था लेकिन रहना ने ऐना को दूसरी दुनिया में भेज दिया था, इसलिए क्रिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह रहना से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। और फिर हम देखते हैं क्रिल और रहना के बीच में बहुत तगड़ी फाइट होती है और इसी लड़ाई में क्रिल रैना को मार देता है और जैसे जैसे रैना मरती है वैसे ही दुनिया कोलैप्स होने लगती है और वो लोग जिनकी याददाश्त जा चुकी थी उनकी याददाश्त भी वापस आने लगती है। इसकी वजह से क्रिल की मदर उसको फोन कर घर बुलाती है और फिर क्रिल का दोस्त आता है और उससे कहता है कि तुमने इस दुनिया का टावर तोड़ दिया है तो अब तुम दूसरी दुनिया में नहीं जा सकते और अगर तुम्हें ऐना को बचाना है तो तुम्हें बाकी दुनिया के गेटवे दोबारा बनाने होंगे। क्रिल का फ्रेंड भी उसकी हेल्प करना चाहता था, फिर वह दोनों मिलकर दुनिया के गेटवे बनाने में लग जाते हैं। और फिर हम फायर ब्रिगेड को देखते हैं जो कि टावर की आग बुझाने के लिए लगे रहते हैं। इसी दौरान ऐना पर जब पानी पड़ता है तो वह होश में आ जाती है और जिंदा हो जाती है और यही कहानी खत्म हो जाती है।